ये तीन सिक्कों का लड़के परिणाम बताना है, तो तुम जानते हो कि 2 के पावर 3 कर देंगे, टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इसका कंपोनेंट बनाना हो तो सबसे आसान और ट्रिकी ये है, ये 8 लिखा है ना, ये 8 लिखा है, तो 8 का आधा 4 कर दो, तो 4 मतलब 4 को हेड लिख दो, समझ में आया? फिर 4 को क्या लिख दो? टेल लिख दो। अब 4 का आधा 2, तो 2 ठे हेड आएगा, हेड, फिर 1 लिखो, ये हो जाएगा टेल, अरे सॉरी, हो जाएगा ना। सिक्कों का संभावित परिणाम लिख देंगे, सिक्कों का परिणाम, सिक्कों का परिणाम तुम्हें लिखना होगा, तो तुम बना लियो, लिख लो, हेड का वहां है, हेड हेड हो जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा? हेड, हाँ बोलते रहो, हेड टेल हेड, हाँ हेड टेल, हाँ आगे टेल टेल हेड 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 हेड, हाँ टेल टेल हेड टेल टेल, हाँ टेल टेल हेड टेल टेल हेड हेड, टेल 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 टेल, आगे ठीक बस है ना। अब उस लड़के का कंडीशन पढ़ो, वो लड़का बोल रहा है यदि टॉस उछालने पर, यदि टॉस को उछाल रहे हो, यदि वो चित आता है, यदि चित आता है या तो पट, तीनों आता है, तब माना जाएगा कि वो जीत रहा है। तो केवल यहां से चित लिखोगे, केवल चित वाले पर आओगे बाबू, केवल चित, तो केवल चित तुम्हारा आ जाएगा, हेड 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 हो जाएगा ना जी, यही ना केवल चित है। और टेल वाले पर आ जाओगे तब, और टेल का मतलब केवल पट के लिए आ जाओगे तब, केवल पट के लिए भी कितना हो जाएगा? टेल 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 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा? तो यहां से लिखेंगे संभावित परिणाम यहां से आ जाएगा इसका, अरे संभावित परिणाम क्या, यहां से परिणाम यहां से आ रहा है इसका, परिणाम एक की संख्या कितना, तो ये हो जाएगा 3 3 6 हो जाएगा। अब वो जीतने के लिए पूछ रहा है, तो पी हो जाएगा, यहाँ लिख दोगे जीत, या लिख दो पट, तो बराबर हो जाएगा, क्या लिखते हो? संभावित ना, संभावित परिणाम लिख देंगे, और बटा में क्या लिख दोगे? कुल परिणाम लिख देंगे, कुल परिणाम। तो संभावित परिणाम मतलब 6 बटा में कितना हो जाएगा? 8, कट करा दो, 3 बटा में 4 दिया, आंसर तो 6 बटा 8 ही दिया होगा, ठीक है कर लीजिए, जाओ जी भगो। अब बोल रहा है लड़के कि 2 पासा है, समझ आ रहा है? तो 2 पासा दे दिया गया है, तो 2 पासा चलो बना देते हैं हम लोग, पता है ना ऐसे बनाता था, 2 पासा आपको दिया हुआ है, बच्चे ध्यान दीजिएगा, और 2 पासे को इसका इवेंट बनाने के लिए क्या बता रहा था कि यहाँ पर पहले वाले को क्या कर दो, कंट्रोल में इसको स्थिर कर लो, और दूसरे वाले को रोल करो, तो 1,1 हो जाएगा, 1,2 हो जाएगा, 1,3 हो जाएगा, 1,4 हो जाएगा, 1,5 हो जाएगा, 1,6 हो जाएगा, दूसरा है 2,1 हो जाएगा, 2,2 हो जाएगा, और 2,3 हो जाएगा, हाँ 2,4, 2,5, 2,6, 3,1 हो जाएगा, 3,2 हो जाएगा, 3,3 हो जाएगा,
फिर बाबू थ्री कामा फोर हो जाएगा, थ्री कामा फाइव हो जाएगा, थ्री कामा सिक्स हो जाएगा, फिर फोर कामा वन हो जाएगा, फिर फोर कामा टू हो जाएगा, फोर कामा थ्री हो जाएगा, फोर कामा फोर हो जाएगा, फोर कामा फोर फाइव ना, और फिर फोर कामा सिक्स हो जाएगा। अब यहाँ से फाइव कामा वन हो जाएगा, फाइव कामा टू हो जाएगा, फाइव कामा थ्री हो जाएगा, फाइव कामा फोर हो जाएगा, फाइव कामा फाइव हो जाएगा, फाइव कामा सिक्स हो जाएगा। फिर ये सिक्स कामा वन हो गया, सिक्स कामा टू हो गया, सिक्स कामा थ्री हो गया, सिक्स कामा फोर हो गया, सिक्स कामा फाइव, सिक्स कामा सिक्स। देखो पहले हम इस पिक्चर से ही सवाल को लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लड़का आपका परीक्षा पूछ रहा है ना कि पांच नहीं आना चाहिए, पांच नहीं आना चाहिए, तो पांच नहीं आने का मतलब क्या हो गया कि ये इसे कंसीडर नहीं करोगे, इसे नहीं करोगे, इसे नहीं करोगे, इसे नहीं करोगे, इसे और ये पूरा लाइन नहीं करोगे। बोलो पांच नहीं आने की बात कर रहा है कि उसमें पांच नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कि जहां जहां पांच होगा उसे उसे कंसीडर नहीं करेंगे हम, तो नहीं जब करेंगे तो टोटल कैट हो रहा था एक दो तीन चार पांच, पांच छ सात आठ नौ दस और ग्यारह। आप इस पिक्चर को देखकर बना दो, जानते हो कि दो ठे पासा है तो दो ठे पासा का कुल परिणाम जो आएगा, कुल परिणाम कितना होता है, छह के पावर एन, यानी कि छह के पावर दो बराबर छह गुणते छह इक्वल टू कितना हो जाएगा। यदि तुम पिक्चर बना देते हो तो पांच आने की संख्या कितना है, पांच आने की संख्या टोटल ग्यारह हो गया है, और पांच नहीं आने की संख्या है, आने की संख्या तो 36 माइनस 11 बराबर कितना हो जाएगा 25। सवाल को ध्यान देना, ये नहीं करना है, तो इसका मतलब यह हो गया लड़के, यदि तुम्हें पूछा जाता परिणाम बताओ इसका, तो यहाँ से लिख दोगे पी कोष्टक में पांच नहीं आने की परीक्षा निकालने जाओगे तो यहाँ हो जाएगा संभावित, बोलो संभावित क्या हो जाएगा, परिणाम हो जाएगा, और बटा में कितना हो जाएगा, कुल परिणाम हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब यह हो गया कि टोटल कितना है 25 बटा में कितना हो गया 36, यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आप पिक्चर को देखकर बता रहे हैं, आई बस समझ में ना, कर लोगे ठीक। अच्छा अब तुम्हें लगे कि नहीं हम सिंगल वाई कर लें, तो सिंगल वाई करने के लिए देखो क्या करोगे, ये पासा दिया हुआ है बच्चे, ध्यान देना दूसरा मेथड हम चल रहे हैं, ये पासा दिया हुआ है तो 1 2 3 4 5 6 इसमें 1 2 3 4 5 और 6 ये ना होगा, तो यहाँ पर लिखोगे पांच नहीं आने की परीक्षा अभी रुक जाओ संख्या लिख देता हूँ, नहीं आने की परीक्षा ही चलो, तो इसके लिए हो जाएगा तुम्हारा संभावित, ये नहीं लिखोगे संभावित क्या लिखोगे परिणाम लिखोगे, तो संभावित परिणाम का मतलब कि पांच इसमें से हटा दो तो टोटल पांच बटा में कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। मान लो ये कि पासा नंबर ए है तो बी नंबर वाले पासे में आ जाओगे लड़के, बी नंबर वाले पासे में आ जाएंगे, ध्यान देना बी नंबर वाले पासे में आ जाओगे तो 1, 2, 3, 4, 5 तो इसमें लिख दोगे पांच नहीं आने की प्रायिकता, ध्यान देना। तो यहाँ पर भी जब हल करने जाओगे तो फिर वही कहानी की संभावित लिखोगे ना, संभावित क्या लिखोगे संभावित परिणाम बटा में क्या हो जाएगा कुल परिणाम हो जाएगा, कुल परिणाम तो संभावित परिणाम फिर पांच बटा में कितना हो जाएगा छह हो जाएगा। तो उसने पूछा है दोनों को साथ में पूछा है, तो आप लिख दोगे कि ए व बी पासे में पांच न आने की क्या लिखोगे
पढ़ाई किताब बराबर हो जाएगा पांच बटा में छह गुण से पांच बटा में छह तो ये हो जाएगा पचास पच्चीस छचवे के छत्तीस हो जाएगा। अब दोनों मेथड को देख लीजिएगा कौन आसान पढ़ रहा हूँ। व्यस्त रहते हैं हम ना। अगला बोला है दूसरा इसमें कि कम से कम एक पांच होगा, कम से कम एक पांच होगा, तो एक पांच के लिए इसके बाद कंसीडर किसको करोगे, इसको करोगे जो कट किया था। देखो सब में पांच है कि नहीं है, देखो यहाँ भी पांच है, इसमें भी एक पांच है, इसमें भी एक पांच है, इसमें एक पांच है, इसमें इसमें ये पूरा पांच है यहाँ से यहाँ तक है ना, ये तो टोटल कितना है ग्यारह है। तो यहाँ से पी हो जाएगा पांच कम से कम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा और कम से कम कितना संभावित परिणाम बटा में कुल ग्यारह बटा में कितना हो जाएगा सॉरी छत्तीस हो जाएगा। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। आई को समझ में yes, कर लीजिए।